आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। चंदन गुट्टा नेट ऑफिसर हरीश साहब ने आज ऐसा ड्रेस ले लेके लेडीज़ को ड्रेस ले लेके आए और ये ब्लैंकेट भी लेके आए उसको पहनाने के लिए और लाने के लिए। इंशाल्लाह और भी पिला के इंशाल्लाह चंदन गुट्टा पुलिस स्टेशन भी वेलकम है और लीडर भी एकदम वेलकम है। इधर सो जा, चबूतरे पे सो जा। खाना खाए रोड पे सोते खाना खाए अन्ना पीना वहाँ खाना खाए खाना खाए क्या खाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं गाजी मिल्लत लीडर साजिद, जो एक खातून थी, एक खातून को कपड़े पूरे फटे थे, कपड़े सही नहीं थे, तो मेरे को गिरस फंक्शनल सोहेल फ़ोन करे थे मेरे को ऐसा एक खातून है इधर आइए बोल के बोले, तो फिर मैं आया। फिर चंदन गुट्टा ऑफिसर नाइट ऑफिसर हरीश साहब ने को मैं फ़ोन करा, हरीश साहब ने भी आए बुलेरो गाड़ी में आके फिर उसको कपड़े वपड़े उसको ड्रेस लाए, ड्रेस ला के दिए और वो ब्लैंकेट भी दिए उसको ओढ़ने के लिए, सर्दी में अकड़ रही थी। और चंदन गुट्टा पुलिस को भी हम वेलकम और सलूट करते हैं, पुलिस ऑफिसर को नाइट ऑफिसरों को के जो बोलते कि आए मेरे बात पे, और उसको खातून को देने के बाद फिर ऑफिसर साहब भी चले गए और उनसे भी शुक्रिया अदा करते हरीश साहब का भी। और ऐसा कोई कोसा काम रहेगा इंशाल्लाह आगे बढ़ के काम करेंगे। और पब्लिक से यही गुजारिश है जो बाहर रोड पे सो रहे हैं उनके लिए कुछ भी कोई सी चीज़ ऐसी दिखी तो अपन खुद देख के आँखों से के घर में या कोई से भी कपड़े लेके आके पहना भी सकते, या कोई आदमी रहो या जेंट्स रहो या लेडी रहो उसके लिए खाने के लिए कोई भूखा रहता है उसको भी पूछे तो रोड पे कई लोग देते थे। अब तो तकरीबन लॉकडाउन के बाद से तो नहीं दिख रहा कोई भी देने का, खाना बांटते थे वो भी नहीं बांट रहे, कोई तकरीबन ऐसे लोग हैं भूखे भी रोड पर सो रहे हैं, उनका भी आप लोग ख्याल करो, अपने मुसलमान भाया तेलुगु भाया हिंदू भाया मुस्लिम। तो ये आगे बढ़ते रहते और एक अच्छा एक मैसेज जाता पब्लिक में भी और अच्छा काम कर रहे बल्कि भी अच्छा रहता इंशाल्लाह ताला। और आगे भी कुछ भी काम रहा तो आगे बढ़ के हिस्सा लेके काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।